Hi guys, welcome back to my channel. And festive season being just around the corner, I have something really very exciting to share with you guys. इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फेस्टिव साड़ी शेयर करने वाली हूँ, जो कि ना केवल एलिगेंट होंगे, ट्रेडिशनल होंगे, बट दे आर गोइंग टू बी रियली वेरी स्टाइलिश. ऑल्सो, जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ स्टाइलिंग टिप्स देती हूँ, इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को साड़ीज़ को कैसे स्टाइल करना है, कौन से ब्लाउज होंगे, कौन से एक्सेसरीज होंगी, हर एक चीज़ में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा. सो गाइज, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट जंप इन टू द वीडियो. फेस्टिव सीजन में साड़ीज की जब भी हम बात करते हैं, आजकल जो प्रोमिनेंट कलर जो सबको पसंद आता है वो है वाइट कलर. नाउ ये प्यारा सा सिक्विन वर्क फॉक्स जॉर्जेट मटेरियल की ये साड़ी है. बड़ी ही प्यारी एलिगेंस ये साड़ी मुझे 5.5 मीटर की अमेजोन पे दिखी. एंड इसके साथ आता है अनस्टिच्ड ब्लाउज जो कि है 0.8 मीटर का लगभग. इस साड़ी की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी और इसलिए मैंने इस साड़ी को पिक किया है, सबसे पहले द कलर वाइट कलर, उसके बाद इसमें एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिक्विन वर्क भी है. नाउ इस तरह की साड़ियाँ आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, एंड दैट्स वाई आई रियली वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई. और मैंने अभी तक एक भी वाइट कलर की साड़ी नहीं पहनी है. नाउ अगर आप मुझे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, अभी तक मुझे देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ये ब्लाउज कहाँ से लिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी. नाउ दिस ब्लाउज इट्स सेल्फ इज रियली वेरी स्टाइलिश. इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क है, कलर्स हैं और गोल्ड प्रोमिनेंट है वाइट बेस के ऊपर. ये जो पूरा आप वर्क देख रहे हो ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा और काफ़ी ट्रेडिशनल लगा. और इसकी सबसे खास बात मुझे इसकी नेकलाइन लगी, डीप वी नेकलाइन जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है. नाउ डीप वी डिज़ाइन आजकल लगभग सारे डिज़ाइनर्स के आउटफिट में आपको मिलेगा, लेकिन दिस वॉज स्टार्टेड बाय सब्यसाची, जो उनका ट्रेडिशनल वी कट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था. एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ यू कैन सी इन मोस्ट ऑफ द यू नो वराइटीज और डिफरेंट डिज़ाइन और पैटर्न में आपको ब्लाउजेज में दिख जाएंगे. नाउ कमिंग टू द एक्सेसरीज सेक्शन, पहले तो मैंने सोचा था कि इसको रानी हार के साथ में स्टाइल करूंगी. सो मेरे पास जो रानी हार था वो था गोल्डन कलर में, प्रोमिनेंटली इट हैड पर्ल्स और बड़ा ही प्यारा लग रहा था. लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये तो हो जाएगा एकदम ही सोबर एंड सटल, इसीलिए मैंने क्या किया, उस ज्वेलरी सेट का मैंने ये इयर रिंग लिया है. एंड मेरे पास ऑलरेडी एक ग्रीन कलर में ये चोकर सेट था. अगर आपके पास नवरत्न चोकर है आप वो भी स्टाइल कर सकते हैं. बेसिकली आई वॉन्टेड टू गिव सम कलर कॉन्ट्रास्ट टू दिस आउटफिट, और इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ मोनोटोनस लुक आई चोज दिस चोकर. एंड यहाँ पे इसीलिए मैंने फिर बैंगल्स भी अपने चेंज किए एंड आई केम अप विद दिस बैंगल. नाउ ये जो स्टैक मैंने लाजपत नगर से ही बनवाई है, मेटल एंड वेलवेट की वजह से ये कलर कॉन्ट्रास्ट आपको लग रहा होगा. ओवरऑल दिस एंटायर लुक लुक्स रियली वेरी क्लासी एलिगेंट. अगर आप अपने आउटफिट को थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी या फिर मॉडर्न ट्विस्ट देना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट यू टू प्ले अराउंड विद द एक्सेसरीज. फुटवेयर के लिए आई वुड गो विद दीज चंकी हील्स, और ये गोल्डन कलर में है. नाउ ओवरऑल आउटफिट को बैलेंस करने के लिए मैंने ये गोल्ड कलर लिया है. ये साड़ी मैंने अमेजोन से ली है और इसकी प्राइस जो है वो 999 रुपीज है. फेस्टिव सीजन के लिए जो नेक्स्ट साड़ी मैंने चूज की है, विच इज़ अगेन अ सिक्विन वर्क साड़ी. नाउ आई नो देर आर गर्ल्स जिन्हें सिक्विन वर्क बड़े ही पसंद आते हैं, एंड स्पेशली ब्लिंग ब्लिंग फेस्टिव सीजन में. एंड हो भी क्यों ना, जबकि इस तरह की साड़ियाँ काफ़ी ट्रेंड में हैं, हर कलर्स में आपको मिल जाएंगी. एंड जब से जाह्नवी कपूर ने स्टाइल की है ये साड़ी, इनफैक्ट तारा सुतारिया ने भी साड़ी पहनी थी सिक्विन वर्क में, और उसके बाद से तो लगभग सारे ही सेलिब्रिटीज़ को सिक्विन वर्क की साड़ीज़ में देख लिया है. नाउ यू नो व्हाट, इस तरह की जो साड़ियां होती हैं, मैंने जितने भी कैटलॉग देखे हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज को देखे हैं, दे हैव जस्ट गॉन फॉर अ मोनोटोन आउटफिट, यानी कि ब्लाउज भी सेम और उनकी साड़ी भी सेम कलर की. हियर आई वांटेड टू गिव सम कंट्रास्ट टू माय आउटफिट, और इसलिए मैं मल्टी कलर्ड ब्लाउज के साथ इस साड़ी को पेयर कर रही हूँ. नाउ देयर आर पीपल जिन्हें बहुत ज्यादा मिक्स एंड मैच नहीं पसंद है, उनके लिए भी आई वुड से कि एक बार मेरे कहने पे मान लो और एक बार मिक्स एंड मैच करके देखो, यू वुड लव इट. लाइक
क्या रखा है बोरिंग सी लाइफ में जब यू कैन हैव फन। ये जो साड़ी है इसके साथ ब्लाउज तो सेम ही कलर का आया था, आप चाहो तो उसको स्टिच करा सकते हो। अदरवाइज आई बिलीव इन कलेक्टिंग सम स्टेटमेंट ब्लाउजेस और इसीलिए ये ब्लाउज भी मैंने लाजपत नगर से लिया है। हल्का सा एक्सपेंसिव एंड में पड़ा मुझे, लेकिन जैसे मैंने आपको अपने पहले भी वीडियोस में इस ब्लाउज को स्टाइल करके दिखाया था, इसीलिए मैंने कहती हूँ कि एक ब्लाउज पीस ऐसा रखो जिनको आप लगभग काफ़ी सारे साड़ीज के साथ तो पहन ही लो और पैसा वसूल लगे। नाउ ये जो मैंने ब्लाउज लिया था लाजपत नगर से, नाउ यू कैन सी इसमें काफ़ी मल्टीपल कलर्स हैं। आई कैन प्ले अराउंड विथ कलर्स और इनमें से कोई भी एक कलर पिक करके भी मैं उस साड़ी को स्टाइल कर सकती हूँ। इस साड़ी में जो सिक्विन वर्क किया हुआ है वो गोल्ड कलर का है, एंड दैट्स वाई आई थॉट ऑफ एक्सेसराइजिंग विथ गोल्ड कलर चांद वाली, जो कि मेरे काफ़ी वीडियोस में आपने देख लिया है। एंड सिमिलरली हेयर इज द बैंगल सेट गोल्डन कलर का जो कि मैंने स्टैक किया है। आप चाहो तो इस तरह के हील्स को स्टाइल कर सकते हो, अदरवाइज आपको फ्लैट्स पसंद है तो आप गोल्डन कलर के इस तरह की जो जुतियाँ होती हैं उनको भी स्टाइल कर सकते हो, दे लुक रियली वेरी एलिगेंट। एंड आज मैं इस साड़ी के साथ यहाँ पे जुत्ती पहनूंगी। ये जो साड़ी है मैंने अमेजोन पे जब देखी थी ना, मुझे बड़ी ही पसंद आई थी। इनमें तो काफ़ी कलर्स मुझे दिखे थे बट मैंने ऑलिव ग्रीन ही चूज़ किया था बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई। लास्ट टाइम जब मैंने सिक्विन वर्क की जो साड़ी ली थी दुर्गा पूजा के टाइम पे, वो मैंने इस कलर की ली थी और बड़ी ही प्यारी लगी थी, और इसलिए मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा हट के कलर चूज़ करते हैं। एंड ये जो साड़ी है, ये साड़ी मुझे अमेजोन पे 809 रुपये में मिली है। फेस्टिव सीजन में ब्लैक कलर का एक अलग ही चार्म होता है। आई केम अक्रॉस दिस ब्यूटिफुल डिजिटल प्रिंट ब्लैक कलर साड़ी जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई। इस साड़ी में वैसे तो काफ़ी कलर्स हैं एंड दैट्स वाई आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ गोइंग विद अ ट्रेडिशनल एकदम प्लेन ब्लैक या फिर इनमें से कोई भी कलर उठा के वो वाला ब्लाउज मैं पहनूँ, उससे बेटर है कि आई वुड गो विद दिस ब्लाउज जिनमें ब्लैक तो प्रोमिनेंट है ही, इट हैज़ अ लॉट ऑफ एम्ब्रॉयडरी विद डिफरेंट थ्रेड वर्क। कई बार ऐसा होता है कि प्रिंट ऑन प्रिंट एक्सपेरिमेंट करते करते हम थक जाते हैं, एंड दैट्स वेयर एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज कम्स इनटू प्ले। एक अलग ही आउटलुक दे देगा आपके साड़ी को एंड पूरा का पूरा गेटअप ही चेंज कर देता है, जैसे कि ये साड़ी का किया इसने। कमिंग टू द एक्सेसराइजिंग सेक्शन, यहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइज्ड ये मल्टी कलर वाले मिरर वर्क के ये झुमके लिए हुए हैं, एंड यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे हो ना, काफी मल्टीपल कलर्स के ये बीड्स हैं, इनको मैंने स्टाइल किया है इस चेन काइंड ऑफ नेकलेस को। बिकॉज दिस नेकलेस हैड अ लॉट ऑफ कलर्स, इसलिए मैंने इसको अगेन यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए चूज किया है। नाउ कमिंग टू द फुटवेयर सेक्शन, आई वुड गो विद ब्लैक हील्स। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस साड़ी इज द प्राइस, ये मुझे सिर्फ 429 रुपीज में मिली है। दिस साड़ी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है एंड वी ऑल लव द ओम्ब्रे कलर बाय मनीष मल्होत्रा। काफ़ी दिनों बाद इस तरह के प्रिंट्स वापस से फैशन में आए हैं एंड आई जस्ट लव हाउ द पेस्टल कलर ब्लेंड यूज द लुक लाइक अमेजिंग। बहुत ही प्यारी साड़ी है एंड रॉकी की रानी की प्रेम कहानी की इतनी सारी साड़ियाँ फेमस हुई हैं जो कि मैं क्या बताऊँ, बट आई रियली गॉट हुक्ड ऑन दिस मल्टी कलर साड़ी जो कि मैंने अमेजोन पे देखी है। वैसे तो आजकल हर जगह ही आपको इस तरह की साड़ियाँ मिल रही है, बट ओवरऑल आई लव द फेब्रिक, द कलर कॉम्बिनेशन और जो ओम्ब्रे इफेक्ट इस साड़ी में दिख रहा है मुझे। सो यहाँ पे इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो आलिया भट्ट ने इस साड़ी को जो पहना है, यहाँ लेस वर्क किया हुआ है और काफ़ी प्यारा ये साड़ी लग रहा है। नाउ जब मैंने अमेजोन पे सर्च किया था तो मुझे ये साड़ी बड़ी ही प्यारी लगी थी, लेकिन जब ये साड़ी मेरे पास आई तो इसमें लेस वर्क गायब था। नाउ जब मैंने कंपेयर किया, क्योंकि अमेजोन पे काफ़ी डिफरेंट सेलर्स होते हैं, तो वहाँ पे एक और सेलर के पास मुझे प्राइस ऑलमोस्ट सेम मिला था, लाइक दिस वॉज ऑफ 740 और वो भी आसपास के ही प्राइस का था, लेकिन उस साड़ी में लेस था एंड ये वाली साड़ी जो थी उसमें जब मैंने जूम करके फोटोज देखे तो फोटोशॉप करके उन्होंने लेस हटा दिया था। आई मीन
दिमाग देखो लोगों का। खैर, नाउ कमिंग टू द स्टाइलिंग सेक्शन, यहाँ पे आलिया भट्ट ने इस ब्लू कलर की प्यारी सी ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है। नाउ यहाँ पे आई वॉन्टेड टू गिव अ ट्विस्ट, मैं यहाँ पे आप लोगों को दो डिफरेंट स्टाइल्स दिखाऊंगी। एक जो मैंने ये हॉल्टर नेक वाला जो क्रॉप टॉप पहना है उसको जस्ट टक इन करके, और ये रिब्ड एक्चुअली मटेरियल है तो इस तरह से आपको ये दिखेगा। लैवेंडर कलर का मेरे पास ये ऑलरेडी क्रॉप टॉप था तो उसके साथ मैंने स्टाइल किया है, लेकिन आप चाहो तो इफ़ यू हैव सिमिलर कलर में कोई ब्रालेट है या फिर आपके पास डीप वी नेक में ब्लाउज है, यू कैन सर्टेनली स्टाइल विद इट। आई हैव अ ब्रालेट जिसके साथ भी मैं आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी, बट फिलहाल मैंने ये साड़ी को जो क्रॉप टॉप के साथ पहना है, ओवरऑल लुक को मैं पहले ब्रेक करके आपको दिखाती हूँ। नाउ कमिंग टू द एक्सेसरीज सेक्शन, यहाँ पे आलिया भट्ट ने सिल्वर ज्वेलरी रखी है विथ मल्टी कलर, जो पिंक कलर एंड ब्लू कलर के मिरर वर्क के साथ। आई डिडंट हैव द सिमिलर वंस तो इसलिए मैंने यहाँ पे झुमका स्टाइल किया है, बिकॉज व्हाई नॉट, झुमका इतना फेमस जो हो चुका है। नाउ कमिंग टू द फुटवेयर सेक्शन, यहाँ पे मेरे पास सिमिलर कलर में ये फुटवेयर है, ओपन टो हील, इसको मैं स्टाइल करूँगी। जिन्हें प्रिंटेड साड़ी पसंद है उनके लिए ये सेटिन साड़ी बड़ी ही प्यारी लग रही है मुझे ये तो, और उनके लिए ये साड़ी बड़ी ही सोबर लगेगी। नाउ ये जो साड़ी आप देख रहे हो इसमें है तीन अमेजिंग एलिमेंट्स, आई लव द कलर पैलेट। इसमें मुझे एक और कलर दिख रहा था ऑफ वाइट में, लेकिन मुझे थोड़ा सा यू नो पेस्टल पिंक कलर चाहिए था, और इस सीज़न में ये कलर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, सो आई रियली वॉन्टेड टू गिव दिस अ ट्राई। ऑल्सो लुक एट द कट्स, यहाँ पे जो कट्स आप देख रहे हो ना, ओवरऑल बहुत ही अच्छे और सीक्वन वर्क है, थ्रेड वर्क है, प्रिंट के साथ ये किया हुआ है, और दैट्स वाई आई चोज दिस। और ये जो साड़ी है ना बड़ी ही प्यारी सी लग है मुझे, और इस साड़ी के साथ आया था जो ब्लाउज वो भी पेस्टल पिंक कलर में ही है। नाउ एक चीज जो मुझे लगी कि यार पिंक कलर तो ऑलरेडी है हमारे पैलेट में, कुछ एक यू नो मिक्स एंड मैच, व्हेन यू नो इट दैट आई एम गोइंग टू ट्राई इट। ऑल्सो यहाँ पे जो मैंने वाइट कलर लिया है ये अगेन दिस वॉज अ क्रॉप टॉप जो कि मैंने बहुत पहले लिया था, और उसको अगेन मैंने टक इन करके इस तरह से ये ब्लाउज बनाया है। ये राउंड नेक का है क्रॉप टॉप तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह की चोकर नेक पीसेस काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे, तो इसके साथ मैंने इस तरह ब्लेंड किया है। नाउ ये जो चोकर नेकलेस है ना, ये इसके साथ मेरे पास जो आई थी वो डिफरेंट थी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि बिकॉज वी ऑलरेडी हैव पेस्टल शेड्स एंड अ लॉट ऑफ कलर्स इन दिस, तो यहाँ पे मैंने जो इयररिंग रखी है वो गोल्डन कलर के साथ ही रखी है, बिकॉज द सिक्वेंट वर्क इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, यहाँ पे जो गोल्ड है एंड ये अगेन गोल्डन कलर, लेकिन यहाँ पे जो बीड्स आप देख रहे हो ये एक हल्का सा चेंज किया है मैंने बिकॉज ऑफ द मोनोटोन ना लगे, हल्का सा यू नो यहाँ पे भी एक्सेसरीज में भी हमारे पास हल्का कलर होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई वेंट अहेड विद द डिफरेंट बीट। नाउ द कलर ऑफ पर्ल इट ब्लेंड्स वेल विद द ब्लाउज, एंड दिस कलर इट गोज रियली वेल विद द साड़ी, सो दैट्स व्हाई ये ओवरऑल लुक मैंने क्रिएट किया है। नाउ इस साड़ी के साथ आप चाहो तो हील पहन सकते हो, इनमें से कोई भी कलर चूज करके, अदरवाइज अगर आपको हील नहीं फ्लैट्स पसंद है, जुत्तियाँ पसंद हैं, तो यू कैन गो विथ जुत्तीज ऑल्सो जो मैं पहनूंगी इस साड़ी के साथ। सो मैं ये जुत्ती पहनने वाली हूँ इस साड़ी के साथ, अगर आप हील लवर हो और आप हील पहन सकते हो ज़्यादा देर तक तो आप हील ऑब्वियसली प्रेफर करना इंस्टेड ऑफ जुत्ती। मुझे फ्लैट्स पर्सनली पसंद है तो आई वुड गो विद जुत्ती। ये जो साड़ी है मुझे 809 रुपए के करीब मिल दिख रही थी अमेजोन पे, और सिमिलर अगेन इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट सेलर्स भी थे, तो आप एक बार चेक कर लेना, कंपेयर कर लेना, जहाँ पे आपको बेटर प्राइस लगे वहां से आप परचेज कर सकते हो। वैसे मैं सारे प्रोडक्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन कर दूंगी। और देखते ही देखते हम आ चुके हैं अपने इस वीडियो के लास्ट साड़ी की तरफ। इफ यू आर अ लवर ऑफ नेट फैब्रिक, दिस साड़ी इज फॉर यू। द नेट फैब्रिक, द पीकॉक लेस वर्क डन एंड द रफल डिटेलिंग, ओवरऑल ये मुझे एक राजस्थानी जो साड़ीज होती है ना उनका लुक दे रही थी, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट टू कम अप विथ अ ब्लाउज। सो ये जो गोल्डन कलर का टॉप देख रहे हो इसके ऊपर काफी वर्क किया हुआ है, व्हाइट कलर के थ्रेड का वर्क किया हुआ है, एंड इट ऑल्सो हैज गोल्ड
गोल्डन वर्क गोइंग ऑन एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये जो साड़ी है काफ़ी ब्लैंड लगेगी अगर मैं इसको व्हाइट या फिर पिंक कलर के ब्लाउज के साथ पहनूँ तो. सो कुछ इस तरह से मैंने इसको स्टाइल किया है. आई वॉन्टेड टू कीप थिंग्स रियली वेरी सिंपल बिकॉज हमारा साड़ी एंड जो ब्लाउज है वो काफ़ी स्टार ऑफ द शो लगना चाहिए एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे जो मैंने इयररिंग ले रखी है ये मिनिमल इयररिंग है. नेकलेस कुछ ज़रूरत नहीं लगी मुझे बिकॉज इट ऑलरेडी हैज़ राउंड नेक और ये काफ़ी ऊपर तक है और ये पूरा प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है. इफ़ यू वॉन्ट अगेन ऑप्शनल है आप पहन सकते हो चोकर बट फॉर मी आई वॉज लाइक कि ये थोड़ा ओवर द टॉप हो जाएगा अगर मैं इसको चोकर के साथ स्टाइल करूँ तो. फिलहाल अब हम आते हैं अपने फुटवेयर की तरफ बिकॉज वी हैव प्रोमिनेंट गोल्डन थीम गोइंग ऑन. यहाँ पे हम फुटवेयर भी गोल्ड रखेंगे. सो ये ब्लॉक हील्स मैं ले रही हूँ इस साड़ी के साथ. इट हैज़ गोल्ड वर्क के मैंने ये साड़ी अमेजोन पे 299 रुपीस की देखी थी. सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कौन सी साड़ी एंड इसकी स्टाइलिंग आपको लगी कि वह बहुत अच्छा है, ये मैं ज़रूर ट्राई करूंगी. मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ऑल्सो यहाँ तक देख लिया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब जरूर कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय.